नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? बहुत बढ़िया। चलो आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाता हूँ, सुनेंगे ना आप सभी? चलिए, इस कहानी का नाम है हाथी और छेरी। जंगल माँ एक ठन हाथी हा सुते रहीस। चिटरा और भठैला उहाँ खेलत रहिन। खेलत खेलत दोनों जन हाथी के पीठ में चढ़ गए। वही बेरा माँ उहाँ एक ठन छेरी आ गईस। छेरी घलो हाथी के पीठ में चढ़े लागिस। वतके माँ हाथी झकना के उठिस। तीनों जानवर मन हाथी के पीठ ले गिर गिन। चिटरा और भठैला उहाँ ले भाग गए। छेरी उहें खड़े रह गए। फिर हाथी हा छेरी ला सुग्घर अपन पीठ में बैठार के बने घुमाइस। कैसे लागिस जी कहानी? बढ़िया लागिस ना? चलो ये कहानी ल मैं एक बार और सुनात हूँ, ठीक है? जंगल माँ एक ठन हाथी हा सुते रहीस। चिटरा और भटैला उहाँ खेलत रहिन। खेलत खेलत दोनों जन हाथी के पीठ में चढ़ गए। वही बेरा माँ उहाँ एक ठन छेरी आ गईस। छेरी घलो हाथी के पीठ में चढ़े लागिस। वतके माँ हाथी झकना के उठिस। तीनों जानवर मन हा हाथी के पीठ ले गिर गए। चिटरा और भटैला उहाँ ले भाग गए। छेरी उहें खड़े रह गए। फिर हाथी हा छेरी ल सुग्घर अपन पीठ में बैठार के बने घुमाइस। कैसे लागिस जी कहानी? बढ़िया लागिस ना? अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब मैं ना तुमन ले कहानी ला हिंदी में सुना हूँ, ठीक है? जंगल में एक हाथी सो रहा था। गिलहरी और खरगोश वहाँ खेल रहे थे। खेलते खेलते वे दोनों हाथी के पीठ पर चढ़ गए। तभी वहाँ एक बकरी भी आई। बकरी भी हाथी के पीठ पर चढ़ने लगी। अचानक हाथी सोकर उठा। तीनों जानवर हाथी के पीठ से गिर गए। गिलहरी और खरगोश भाग गए। बकरी वहीं खड़ी रह गई। हाथी ने बकरी को अपनी पीठ पर घुमाया।